समूह निवेदिता। दुनिया में पैसे वालों के अजीबोगरीब शौक होते हैं और उनकी खबरों को सुनकर कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सनकी राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे और हंसेंगे भी। जी हाँ, थाईलैंड में सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध करने वाले लोग आपातकाल को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी थाईलैंड के संवैधानिक राजतंत्र में सुधार की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। जनता के गुस्से का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोविड-19 के कारण थाईलैंड में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगी हुई है, लेकिन लोगों ने इस प्रतिबंध को दरकिनार कर दिया है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों की माने तो राजतंत्र को लेकर लोगों की गुस्से की कई वजह हैं। इनमें से एक है थाईलैंड के राजा वजीर लोंगकॉर्न, जिनके व्यवहार से जनता बहुत ज्यादा क्रोधित है। जब 2016 में वजीर लोंगकॉर्न गद्दी पर बैठे तो लोगों को काफी उम्मीद थी कि राजा थाईलैंड को आगे ले जाएंगे, लेकिन राजा शासन से कोसों दूर रहे हैं। जनता का गुस्सा तब ज्यादा बढ़ गया जब सारा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है तो वो जर्मनी के पहाड़ियों में स्थित किसी आलिशान विला में अपनी रानियों के साथ खुद को क्वारंटीन किए हुए थे। ये पहली बार नहीं है जब राजा गलत वजहों से चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी अपनी अजीबोगरीब बातों के लिए चर्चा में रहे हैं। बीते दिनों राजा ने अपनी पत्नी को 1 साल तक जेल में रखने के बाद उनकी सजा माफ कर दी है और उन्हें हरम में फिर से शामिल होने की इजाजत दे दी। राजा ने 35 साल की सिन्नेत के साथ शादी की थी, लेकिन 3 महीने बाद ही उन पर बेवफाई का आरोप लगाकर जेल भेज दिया था। रिहाई के तुरंत बाद उनकी पत्नी को जर्मनी में राजा के हरम में शामिल होने के लिए भेज दिया गया। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि कुछ सालों पहले तो राजा की सनक ने सारी हदें पार कर दी थी, जब उन्होंने अपने एक पालतू कुत्ते जिसका नाम फुतू था उसको थाईलैंड एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल बना दिया था। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी राजदूत राल्फ एल बॉयस ने किया था, जो कि क्राउन प्रिंस के सम्मान में एक विशाल रात्रि भोज में शामिल हुए थे जहां पर कुत्ता पूरी तरह सज धज कर आया था। जब 2015 में इस कुत्ते की मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार की धार्मिक रस्में 4 दिन तक चलती रहीं। तो आप समझ सकते हैं कि थाईलैंड का राजा कैसा राजा है और उसकी सनक क्या है। इसके साथ ही साथ कई और घटनाएं हैं जिनके बारे में बताना यहां मुमकिन नहीं है, लेकिन इन घटनाओं से भी राजा के सनकीपन को आसानी से समझा जा सकता है।